हेलो। नमस्कार मेरे बच्चों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल भुगली स्टूडियो में। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अरे भाई कैसे हो? गुड इवनिंग शिवानी, चांदनी, लिंकन, रवि, हर हर बुगली, घर घर बुगली। थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक रहा मेरे बच्चों आज से? आप पहले आप 10 बजे आया करते थे, अब आपको 9 बजे से क्लास में आना है। 9 बजे से रेगुलरली क्लास में आ जाया करें और 9 से 11 तक आपकी कंटिन्यू क्लास चला करेगी। दो क्लासेस हो गई, पहले एक ही लगती थी, अब दो क्लासेस हो गई हैं। दोनों क्लासेस को जोरों शोरों से आप अटेंड करें। और मेरे बच्चों, यदि अगर आप कुछ अच्छा अचीव करते हो मेरे प्लेटफॉर्म से पढ़ करके, तो डेफिनेटली उसका क्रेडिट दीजिए मुझे। और अगर आपकी जॉब लगती है तो डेफिनेटली मेरे बच्चों, आप मुझे आपका फोटो भेजिए, आपका नाम भेजिए। जिस एग्ज़ाम में आपका जॉब लगे उसका सिलेक्शन के अंदर, लिस्ट के अंदर रिजल्ट जो आपका आया है वो आपको भेजना है। मेरे बच्चों, मैं जब तक जिंदा हूँ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे ही प्रयास करूँगा। और आपको तो पता है मेरे दोस्तों कि वुगली यूट्यूब का सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जिसने स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया था यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन। और एक एग्ज़ाम के अंदर मेरे बच्चों, ऐसा ऐसा रिकॉर्ड भी मैंने मेंटेन किया है कि 28 28 क्वेश्चन बिना किसी लैंग्वेज के चेंज हुए सेम टू सेम एग्जाम्स में आए हैं। तो दोस्तों, कंटेंट के मामले में मैं और मेरी टीम हमेशा से मास्टर रहे हैं। और यही एक अनुभव हम लोगों को बहुत मदद देता है आप लोगों को पढ़ाने में। जब हम गैस करते हैं कि एग्जाम में इस साल ये साल, इसी तरह से आप लोगों को एक मॉडल टेस्ट सीरीज भी मैंने फ्री अवेलेबल करवाया है वोगली ऐप के अंदर, SGPGI और NORSET 22 के लिए। जिनको टेस्ट सीरीज नहीं मिला है वो आप पूछ लेना वोगली ऐप के अंदर, चैट में आप लिख देना कि, वैसे आपको चैट में इनबॉक्स देखेंगे तो आपको वहां पर कैसे ज्वाइन करना है उसका प्रोसेस शेयर किया हुआ है। तो टेस्ट भी आप दीजिएगा। दो क्लासेस आप अटेंड करें, 9 to 10, 10 to 11, 2 घंटे आपको क्लासेस पढ़ाई जाएगी। दोस्तों, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपका रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे? SGPGI के लिए ही क्लासेस अभी चल रही हैं मेरे बेटा। ये जो क्लासेस ले रहे हैं कमल, ये SGPGI को ध्यान में रखते हुए क्लासेस आपकी करवाई है। पवन सर ले रहे हैं और मैं ले रहा हूं, और आपका एक अच्छा रिजल्ट आप लोग देंगे यही आपसे उम्मीद रखता हूं। तो चलिएगा मेरे बच्चों, मैं इस सेशन को शुरू करने वाला हूं। हर हर वुगली, घर घर वुगली। और दोस्तों, जयपुर का सेशन 2 का नोटिफिकेशन आप सबके पास आ गया होगा। जयपुर का सेशन 2 जो है 19 जून को है बेटा। जो जो आ सकते हैं वो आ जाना, नहीं आ सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी लोग पढ़ेंगे वो अपने आप में एक ऐसा चेंज देखेंगे मेरे बच्चों। जो मेहनत है मेरी वो मेहनत आप देखेंगे। तो जो भी आ सकते हैं जयपुर का सेशन अटेंड करने के लिए वो जरूर आ जाइएगा। नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चों ये क्लासेस जो हैं जयपुर वाली, ये केवल ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। उसमें केवल ऑफलाइन पढ़ाया जाता है, ऑफलाइन ही नोट्स लिखवाए जाते हैं और ऑफलाइन ही आपको प्रिंटेड बुकलेट दी जाती है क्वेश्चंस की। तो मेरे बच्चों, जो कुछ आपको करना है क्लासरूम में आके करना है वो सब ऑनलाइन नहीं होगा, क्लियर है? और वुगली ऐप के अंदर उसका टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाएंगे। तो बहुत जल्दी ही जयपुर वालों के लिए टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगी एवरी संडे। और अर्जुन सीरीज के अंदर तो टेस्ट चलता ही है, राइट मेरे बच्चों? सफलता क्विज भी अपना डेली रेगुलरली चलता रहता है। अभी SGPGI का एक टेस्ट सीरीज आपको, मॉडल टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाया है, उसको भी दीजिए। स्कोर चेक करिए अपने आप का, असेसमेंट करिएगा कि कितना आप गहरे पानी में हो, कितनी तैयारी आपने कर रखी है। और रेगुलर जो दोनों क्लास भरेगा, एक दिन में घड़ा नहीं भरेगा लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरेगा।
और आने वाले समय पर मेरी कोशिश यही है कि गूगली प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं भी अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ से आपको सब कुछ सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल, ऐसी कोई जरूरत नहीं बचेगी जो आपकी फुलफिल ना हो, हर रिक्वायरमेंट का पूरा आते रहते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्टैटिकल हाइपोथेसिस इज अदरवाइज नोन एज, और दोस्तों आप जानते हो स्टैटिकल हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस दोस्तों जिसमें दो वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल। यदि दोनों के अंदर कोई कनेक्शन नहीं बैठ पाता है, यदि कोई कनेक्शन दोनों में नहीं बैठ पा रहा है, ये कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, लेकिन ये एक दूसरे को अफेक्ट भी करता है, तो ऐसा जो हाइपोथेसिस होता है वो नल हाइपोथेसिस कहलाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर जाएगा बेटा। क्लियर हो गया सबको? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, और सबसे पहले सही जवाब दिया है फर्स्ट रैंक पर अनिल पेंट ने। हर बार की तरह अनिल ने फर्स्ट वापिस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू करिए, विच वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और इस क्वेश्चन को थोड़ा संभल के करना, ध्यान से करना, आपसे कह रहा हूं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब हम करते हैं तो इसमें कौन सी वेरिएबल जो होती है उसको मैनिपुलेट करते हैं। जवाब दीजिए। देखें दोस्तों, आपको मैंने कहा कि वेरिएबल्स जो रिसर्च के अंदर हम यूज में लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा सिगरेट, ये नाम सुना है क्या सबने? सुना होगा सिगरेट कॉजेज लंग्स कैंसर। यहां पर दो वेरिएबल्स मैंने आपको यहां पर एक दूसरे से कनेक्ट किया है, सिगरेट कॉजेज लंग्स कैंसर। तो सिगरेट जो है मेरे बच्चों ये इनडिपेंडेंट, और जबकि लंग्स कैंसर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यदि अगर सिगरेट को बढ़ाएंगे तो लंग्स कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, और यदि सिगरेट को घटाएंगे क्लाइंट के अंदर, अपने अंदर नहीं क्लाइंट के अंदर, तो लंग्स कैंसर की पॉसिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो मेरे बच्चों, हम किस चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कौन सी वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं? हम इनडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं तो टू वेरिएबल्स होती हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, कम ज्यादा किया जाता है, उससे डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। इसी को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन ना गाइस, बात सबको क्लियर हो चुका होगा। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए। अंडरस्टैंड गाइस? क्रिस्टल क्लियर है? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर थ्री, विच रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिस्क्राइब द सिलेबस एंड रेगुलेशन फॉर द नर्सिंग प्रोग्राम्स। दोस्तों, जो बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, पोस्ट बीएससी है, एमएससी नर्सिंग है, पीएचडी है, इन सब के सिलेबस को और इनके रेगुलेशंस को कौन कंडक्ट करता है? आपसे सही जवाब आया है सबसे पहले अनिल का। वेरी गुड अनिल, शाबाश, वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच, ग्रेट परफॉर्मेंस। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी, और मेरे बच्चों आईएनसी ही एक ऐसा रेगुलेटरी बोर्ड है जो हमारे नर्सिंग के प्रोग्राम्स के लिए सिलेबस एंड रूल रेगुलेशंस जनरेट करता है। आपका जो यूनिवर्सिटी होता है वो यूनिवर्सिटी क्या करता है, एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। लेकिन ये सब किसके अंडर में काम करते हैं? तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर में ये सब वर्क करते हैं। क्रिस्टल क्लियर हो गया है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फोर, द अनप्रेडिक्टेड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशंस इन विच अ क्लाइंट ओवर एक्ट और अंडर एक्ट टू अ मेडिकेशन इज टर्म्ड एज। मेरे बच्चों, यदि अगर कोई ऐसा मेडिकेशन इफेक्ट जिसकी वजह से क्लाइंट को या तो ओवर एक्ट होने लगेगा या अंडर एक्ट होने लगेगा, तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? और वेरी गुड, शाबाश भैया, सबसे पहले करेक्ट आंसर आया है शिववर्धन। शिववर्धन का इज द राइट आंसर, और फर्स्ट रैंक पर है भैया। शिववर्धन के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों, शिववर्धन ने बहुत अच्छी कोशिश की है और ये कोशिश बरकरार रखना। और मेरे बच्चों, जब कभी भी अनप्रेडिक्टेड इफेक्ट, डेफिनेशन को समझिए, किसी भी दवा का अनप्रेडिक्टेड इफेक्ट जिसका हमें पहले कोई अंदाजा नहीं होता है, ऑफ अ मेडिकेशन इन विच द क्लाइंट ओवर एक्ट और अंडर एक्ट टू द मेडिकेशन,
या तो क्लाइंट उस दवा के प्रति ओवर एक्ट करने लगता है या अंडर एक्ट करने लगता है। तो ऐसा जो किसी दवा से होता है ना, उसको अपन कहते हैं आइडियोसिनक्रेटिक इफेक्ट। क्या कहा जाता है? आइडियोसिनक्रेटिक इफेक्ट इसको कहा जाता है, या आइडियोसिनक्रेटिक रिएक्शन इसे कहते हैं। जैसे आपने कोई मेडिकेशन किया और उस मेडिकेशन का जितना इफेक्ट आना चाहिए था, या तो उतना इफेक्ट ना मिले या उससे ज्यादा मिले। तो दिस प्रॉब्लम इफ अ क्लाइंट इज फेसिंग, दिस इज कॉल्ड आइडियोसिनक्रेटिक इफेक्ट। अंडरस्टैंड गाइज? क्रिस्टल क्लियर? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। येलो बैग फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ द बीएमडब्ल्यू आर मेंट फॉर द, माय डियर स्टूडेंट, बीएमडब्ल्यू पर एक लेक्चर मैंने करवा रखा है बायोमेडिकल वेस्ट पर, एम्स के लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जब भी समय मिले इस लेक्चर को यूट्यूब पे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि येलो, येलो मीन्स मेरे बच्चों पीला, और पीला से क्या होता है? पीला से होता है दोस्तों प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक एनाटॉमिकल वेस्ट है, बॉडी वेस्ट है। तो एनाटॉमिकल वेस्ट को हम कौन से बैग में सेग्रीगेट करेंगे दोस्तों, कौन से बैग में सेग्रीगेट किया जाता है? तो राइट आंसर विल बी द एनाटॉमिकल वेस्ट, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। याद रहेगा सब लोगों को कि बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट हो, प्लेसेंटा हो या फिर अम्लाइकल कोड हो या एनाटॉमिकल वेस्ट हो, ऐसा कोई भी बॉडी का एनाटॉमिकल पार्ट दैट इज सेग्रीगेटेड, दैट विल बी सेग्रीगेटेड इनटू द येलो बैग अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस 2022। अंडरस्टैंड गाइस? क्रिस्टल क्लियर हो गया है? अरे भाई बोलो, सबको याद रहेगा? तो मैंने कहा पीला और पीले से प्लेसेंटा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी द रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। अरे भाई बोलो बब्बर शेरों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ द हेल्थ एजुकेशन एक्सेप्ट, इसका जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सा हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल नहीं है। दीजिए भैया जवाब, कौन सा हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल नहीं है? हेल्थ एजुकेशन अगर आपको किसी को करना है, कॉम्प्रहेंशन, क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट और नॉन टू अननोन टू नॉन। और मेरे बच्चों, अननोन टू नॉन जो ये होता है, ये होता है टीचिंग का प्रिंसिपल। किसका प्रिंसिपल होता है? टीचिंग का प्रिंसिपल होता है, और ये सब होते हैं हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल। अंडरस्टैंड? तो विच इज द राइट आंसर गाइस? अननोन टू नॉन इज द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, अननोन टू नॉन, हम आप लोगों को जब पढ़ाते हैं ना, तो आपको ऐसी चीजों से पहले जो आप जानते हो, अननोन टू नॉन। तो मेरे बच्चों, नॉन टू अननोन, नॉन टू अननोन हम कैसे लेके जाते हैं, यानी कि आपको कहां लेके जाया जाता है, यानी इसमें गलत दिया हुआ है, ध्यान से देखना। मैं जो सिखाना चाह रहा हूं टीचिंग का प्रिंसिपल, यानी कि नॉन टू अननोन, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है? अननोन टू नॉन। तो ये जो हेल्थ एजुकेशन टीचिंग के मामले में इसको हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इसको भी गलत दिया हुआ है। बाकी तीनों प्रिंसिपल जो हैं दोस्तों, ये हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल होते हैं। क्लियर है? तो मेरे बच्चों, जब हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो हमेशा आपको नॉन से अननोन की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि सिंपल टॉपिक्स में से, सिंपल नॉलेज, सिंपल स्टेटमेंट्स जो आपको आते हैं, उनसे धीरे 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 कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाते हैं और डिफिकल्ट चीजों को सिखाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड होता है टीचिंग करने का, तब जाके स्टूडेंट्स के अंदर शार्पनेस आएगा। अगर आप डायरेक्टली उनको ऐसी चीज पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे जो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट, आपकी टीचिंग जो होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी। और मैं सबको, अपनी मुझसे रिलेटेड टीम्स को भी यही सिखाता हूँ कि हमेशा जो टीचिंग का पैटर्न होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए। ऐसे का मतलब क्या है कि पहले नॉन बातों पे डिस्कस किया जाए जो हमारे स्टूडेंट्स को आता है, फिर धीरे धीरे अननोन की तरफ, यानी कॉम्प्लेक्स चीजें उन्हें सिखाई जानी चाहिए, तो इंटरेस्ट भी अच्छा होगा और लर्निंग भी अच्छा होगा। तो राइट आंसर क्या देना है आपको? ए ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया है बेटा? नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर ऑफ द इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक्सेप्ट। दोस्तों, इसमें से कौन से केस में आप ECT नहीं देंगे? पहला ऑप्शन है मेजर डिप्रेशन, सीवियर साइकोसिस, सीवियर
कैटाटोनिया या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर? और यू नो दैट गाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। और सबसे पहले जवाब दिया है नीलम ने, और नीलम जो है मेरे बच्चों एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के साथ रेगुलर क्लास में है, और नीलम के लिए मैं कहता हूं कि ये डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर करेगी एग्जाम में। और मेरे बच्चों पीटीएसडी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे किसी की एक्सीडेंट हो गई और उसके बाद में दोस्तों उसको एक गहरा सदमा पहुंचा, तो वो पीटीएसडी कहलाता है। जैसे किसी को किसी फीमेल को प्रेगनेंसी था, 9 मंथ उसने बेबी को रखा, और जब बर्थ हुआ तो फीटस की डेथ हो गई, बर्थ के जस्ट बाद ही फीटस की डेथ हो गई, तो उस फीमेल को गहरा सदमा पहुंचा है। या किसी का हस्बैंड बॉर्डर पे सेना के अंदर है और वो उसका बर्थडे आने वाला है कल, और गलती से आज वो शहीद हो गया, तो मेरे बच्चों इससे जो ब्रेन पे एक आघात पहुंचता है, एक स्ट्रेस की वजह से जो ब्रेन की साइकोटिक कंडीशन हो जाती है, उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बट पीटीएसडी में इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको ईसीटी देंगे, तो ईसीटी नेवर इंडिकेटेड फॉर द पीटीएसडी गाइस। केवल ईसीटी किसके लिए होता है, मेजर साइकोसिस हो या मेजर डिप्रेशन हो या कैटाटोनिया हो। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन, करेक्ट है सबको, बोलो भाई। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए रेडी हो जाइएगा दोस्तों। द फॉलोइंग आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर। दोस्तों इनमें से कौन सी कंडीशन में लेबर का इंडक्शन नहीं करना चाहिए, और सही जवाब का मुझे इंतजार है कि कौन सबसे पहले आंसर करने वाला है। और 8 में सबसे पहले शिववर्धन का आंसर आया है भैया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेफेलोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन, प्लेसेंटा प्रीविया, कोड प्रोलैप्स। और जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं, अभी तो तुम लोगों ने इससे पहले ऑब्स्टेट्रिक का लेक्चर लिया है भैया, फिर क्यों गलत हो रहा है आप लोगों का, नहीं होना चाहिए था ना, बिल्कुल क्लियर सही आना चाहिए था ना। और सबसे पहले सही आंसर आया भाई साहब, तालियां होनी चाहिए लोकेश शर्मा के लिए। लोकेश शर्मा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया है। और आप ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूं आपसे कि कौन सा कंडीशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए कौन सा कंडीशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एक्सेप्ट। तो दोस्तों आपसे कह रहा हूं कि कौन सी कंडीशन में लेबर इंडक्शन, क्वेश्चन को समझना, बड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, द फॉलोइंग आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर। आप तो ये समझो कि लेबर के लिए कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशन है, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, इसमें आप इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कर सकते, जैसे आप सेफेलोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन है नहीं कर सकते, कोड प्रोलैप्स में नहीं कर सकते। लेकिन यदि मेरे बच्चों, मेरे गजोधर, यदि अगर प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स का प्रीमैच्योर रप्चर हो जाए, तो वी नीड टू इमीडिएटली डू द इंडक्शन ऑफ द लेबर एंड इज इंडिकेटेड, इज नॉट द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशन, सो द ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अरे भैया, सबको आ गया है क्वेश्चन का मतलब, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत गलत इस क्वेश्चन को समझ लिया था। और हम एग्जाम्स में, मेरे बच्चों मैं 2 मिनट आपको कुछ बात समझाना चाहता हूं, हम क्या करते हैं, हमें अच्छा नॉलेज भी है, हमारे पास हथियार भी है, नॉलेज भी अच्छा है, हमें पढ़ाने वाले भी अच्छे हैं, समझाने वाले भी अच्छे हैं, हमारे पास रोज क्वेश्चंस की भी भरमार है, वुगली पर आपको रोज भरमार क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, टेस्ट भी आपके लिए जा रहे हैं टाइम टू टाइम, थ्योरेटिकल भी आपको बहुत बेस्ट पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चों गलती क्या कर रहे हैं हम, गलती हमारे पास एक तो पेशेंस नहीं है, जब भी कभी हमें ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो हम बहुत जल्दबाजी में उस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, और जो क्वेश्चन पॉजिटिव बन रहा था उसको हम कहां धकेल देते हैं, नेगेटिव वाले पलड़े में हम डाल देते हैं। और ऐसी गलती अगर हम 10 क्वेश्चंस में भी कर देंगे ना, तो हमारा जो स्कोर पॉजिटिव बनता जा रहा था, हमने उसको ऐसे ट्रैक पे मोड़ दिया है दोस्तों जो हमारे सिलेक्शन को रोक देगा। तो हमेशा याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप देने जा रहे हैं या उनकी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपने आप के धैर्य पे नियंत्रण रखो, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है आपको। कोई भी क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए, और फिर उसके ऑप्शंस को समझिए,
ओवर एक्साइटमेंट जो होता है वो हमारे को कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव स्कोर देगा, जिससे हमारा सिलेक्शन जो है वो रुक जाएगा दोस्तों। तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है आपको, पेशेंस रखना होता है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं दोस्तों, और बहुत सावधानी से आपको खेलना है। क्लियर हो गया है सबको? ध्यान रखेंगे आप तो याद रखना ए ऑप्शन इसका जवाब होगा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीटल अम्लाइकल कॉर्ड। अब देखता हूं कितना पेशेंस है आपके पास। इस क्वेश्चन को पढ़ के ये बताइएगा दोस्तों कि फीटस की अम्लाइकल कॉर्ड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है। अम्लाइकल कॉर्ड हैज द सेंसरी नर्व एंडिंग्स, कॉर्ड कंटेंट टू आर्टरी वन वेन, या अम्लाइकल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द वार्टन्स जेली, या अम्लाइकल कॉर्ड ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। व्हिच इज द करेक्ट आंसर गाइस? क्वेश्चन को समझिए, सीखिए, सोचिए और फिर जवाब दीजिए। अब आपने फिर से जल्दबाजी किया, बहुत जल्दबाजी किया आप लोगों ने। मुझे ये बताओ आप, ये तो आपने बी ऑप्शन सही किया है, ठीक है ना? आपने कहा फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द अम्लाइकल कॉर्ड। तो मुझे ये बताइए अम्लाइकल कॉर्ड में कितनी आर्टरी होती है और कितनी वेन होती है। अम्लाइकल कॉर्ड कंटेंट टू आर्टरी दिया है यहाँ पर और वन वेन दिया हुआ है, कितनी आर्टरी होती है, कितनी वेन होती है? पहले तो इस बात का जवाब दीजिए आप मुझे। अम्लाइकल कॉर्ड में कितनी आर्टरी और कितनी वेन होती है? शाबाश, वेरी गुड। दूसरा आप देखिए, अम्लाइकल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द वार्टन्स जेली। क्या अम्लाइकल कॉर्ड वार्टन जेली के माध्यम से प्रोटेक्टेड होता है क्या? इस थर्ड ऑप्शन को पढ़िए, क्या अम्लाइकल कॉर्ड वार्टन जेली में प्रोटेक्टेड होता है क्या? यस, वेरी गुड। क्या अम्लाइकल कॉर्ड ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट टू द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस? नेक्स्ट बोलो, क्या फीटस को न्यूट्रिएंट और ओटू पहुंचाना ही अम्लाइकल कॉर्ड का फंक्शन है क्या? यस। फर्स्ट पढ़ो आप, अम्लाइकल कॉर्ड हैज द सेंसरी नर्व एंडिंग्स, और मेरे गजोधर जब तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं तो फिर आप कैसे आंसर कर रहे हो, फिर आप क्यों आंसर लगा रहे हो? मेरे बच्चों यहां पर क्या ऐड करना है हम लोगों को? एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड, क्रिस्टल क्लियर हो गया है सबको? और अब सही आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा मैं जानबूझ के आपको चेक कर रहा हूं कि भाई साहब आप कितना सही डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि यही चीज है मेरे बच्चों, जब नदी में डुबा डुबा के और तैरना सिखाया जाएगा ना, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसे परफेक्ट तैराकी आप लोग बन जाओगे कि आंख बंद करके नदी पार कर दोगे। और मेरे स्टूडेंट्स जितने भी वुगली पे फैत करके वुगली में पढ़ते हैं ना, मुझे उनके यही शार्पनेस चाहिए, कॉमन स्टूडेंट्स नहीं चाहिए मुझे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू द मैनी एफर्ट्स टू मेक यू द वेरी अनकॉमन। मुझे अनकॉमन आपको ऐसा बनाना है कि पेपर कैसे भी आए आप आंख बंद करके उस पेपर को सोल्व कर दें दोस्तों, ऐसा लेवल हम लोगों को लाना है। क्लियर है गाइस? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द हिंज जॉइंट। इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कौन सा हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है? ये रिस्ट जॉइंट है दोस्तों, ये रेडियो अल्नर है, और ये है शोल्डर, और ये है एल्बो। मेरे बच्चों You know that, और शाबाश, सबसे पहले सोनाली का जवाब सही आया है। थैंक यू सो मच सोनाली, यू आर ग्रेट, एक्सीलेंट नॉलेज। मैंने कहा मेरे बच्चों हमारा जो गेट होता है, विंडो होती है, उसमें आप देखते हैं कि वो गेट और विंडो हमेशा एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है,
और ऐसे जॉइंट्स दोस्तों जो वन डायरेक्शनल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं, ऐसे जॉइंट्स को नेम दिया जाता है हिंज जॉइंट। क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट। तो देखिएगा, रिस्ट जॉइंट ये दोनों डायरेक्शन में घूमता है, इधर भी घूमता है, तो ये तो नहीं है, रेडियल नर्व भी नहीं है, रेडियस और अल्ना के बिटवीन। शोल्डर जॉइंट है, चारों डायरेक्शन में घूमता है, देखिए आप, ये भी नहीं है। केवल एल्बो जॉइंट ऐसा है सर, दैट इज ओपन इन वन डायरेक्शन ओनली। और हमसे पूछा था कि हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल बताइए, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन सबका सही जवाब है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द क्राउप सिंड्रोम। इसमें से कौन सी कंडीशन है जो क्राउप सिंड्रोम के क्लाइंट्स में नहीं होती है? और इसमें मेरे बच्चों बहुत सोच समझ के जवाब देना है आपको। और सही जवाब आया है भैया जगदीश का, सबसे पहले करेक्ट आंसर है जगदीश, ग्रेट एंड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस यू हैव, यू नीड टू कीप इट अप माय गाइस। यू नो दैट इपिग्लॉटिस भी क्राउप में होता है, ब्रोंकाइटिस भी होता है, लैरिंजाइटिस भी होता है। तो जब भी क्राउप सिंड्रोम होता है तो मेरे बच्चों इपिग्लॉटिस, ब्रोंकस और उस क्लाइंट का लेरिंग्स, इन तीनों में ही इन्फ्लामेशन आ जाता है। केवल टॉन्सिलाइटिस से इसका कोई संबंध नहीं है। तो गाइस राइट आंसर इज दैट द ए ऑप्शन। क्रिस्टल क्लियर हो गया है? अरे भाई बोलो, बनना है मतलब बनना है, और जोश भी है और होश भी है, और मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों बहुत एफर्ट्स की जरूरत है आप लोगों को, काफी अपडेट करने की जरूरत है, काफी एफर्ट्स की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एसोसिएटिव प्ले। दोस्तों एसोसिएटिव प्ले कभी सुना नहीं होगा आप लोगों ने, लेकिन आज सुन लेना, एसोसिएटिव प्ले से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आइडेंटिफाई करके बताइएगा। विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द आइडेंटिकल एक्टिविटी, चिल्ड्रंस बोरो एंड लीड द प्ले आर्टिकल, म्यूचुअल गोल इज सेट, नो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रूल रिगार्डिंग द लिमिट ऑफ द प्ले सेशन। क्या करेक्ट आंसर होगा? क्या कभी सुना एसोसिएटिव प्ले? दोस्तों एसोसिएटिव प्ले होता है जो घर पे बच्चे अपनी रुचि से कोई बिना गोल का गेम खेलते रहते हैं, ठीक है ना, जो बिना कोई गोल का घर पे गेम खेलते रहते हैं, राइट। आपने देखा होगा घर पे बच्चे ऐसे ही कुछ भी खेल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, राइट, जिसका कोई रूल नहीं है, जिसका कोई रेगुलेशंस नहीं है, जो अपने आप ऐसे खेल रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कहा कि चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व इन द आइडेंटिकल एक्टिविटीज, सही है, चिल्ड्रंस बोरो एंड लीड द प्ले आर्टिकल, सही है, म्यूचुअल गोल इज सेट, अरे भाई गोल कोई सेट नहीं किया जाता है एसोसिएटिव प्ले के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। नो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल रिगार्डिंग द लिमिट ऑफ द प्ले सेशन, इसका कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं होता है। क्या याद रहेगा मेरे गजोदर आपको कि वॉट यू मीन्स बाय द एसोसिएटिव प्ले, देन द राइट आंसर इज द म्यूचुअल गोल इज सेट इज इनकरेक्ट। ओके गाइस, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द माइक्रो टीचिंग। ये तो आपने डेफिनेटली सुन रखा होगा, बोलो भैया, सबने सुन रखा होगा कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, सुन लिया होगा सब लोगों ने। माइक्रो टीचिंग के बारे में बताना है दोस्तों कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, कितने समय के लिए माइक्रो टीचिंग होता है, ड्यूरेशन इज 45 से 60 मिनट, द रोल ऑफ सुपरवाइजर इज वैल्यू, स्टूडेंट टीचेस द प्रैक्टिस ओनली वन सेलेक्टेड स्किल, और द फीडबैक इज नॉट इमीडिएटली प्रोवाइडेड। और दोस्तों बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच समझ के करना। माइक्रो टीचिंग होता है ना दोस्तों, वो कभी भी 1 घंटे 45 मिनट के लिए नहीं होता है। 1 घंटे 45 मिनट के लिए तो फुल लेक्चर होता है दोस्तों, जो मैं आपका ले रहा हूं, अंडरस्टैंड। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड।
दूसरा द रोल ऑफ सुपरवाइजर इज वैग्यू, भैया माइक्रो टीचिंग जो करते हैं, जैसे आप साइकेट्रिक के अंदर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हो और एक और परफॉर्मा होता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, वही होता है यहाँ पर एजुकेशन में टीचिंग और माइक्रो टीचिंग। दोस्तों माइक्रो टीचिंग में जो भी ऑब्जर्वर है ना उसका सबसे बड़ा रोल होता है, वही आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है। तो ध्यान से देखिए द रोल ऑफ सुपरवाइजर इज वैग्यू, नहीं वैग्यू मीन्स बेकार, नहीं है, करेक्ट नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। स्टूडेंट टीचर्स द प्रैक्टिस ऑनली वन सेलेक्टेड स्किल, दोस्तों इस टीचिंग के अंदर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर टीच किया जाता है, एक पर्टिकुलर स्किल पे बात की जाती है और फीडबैक इज नॉट इमीडिएटली प्रोवाइडेड, नहीं माइक्रो टीचिंग में हमेशा दोस्तों फीडबैक जो होता है वो इमीडिएटली लिया जाता है। तो आपको जो डी ऑप्शन दिया है दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ओनली वन ऑप्शन इज द राइट आंसर गाइस और ये है सी ऑप्शन। और राघव बेटा सबसे पहले सही जवाब दिया आपने, प्लानिंग टीच फीडबैक और रीप्लानिंग और रीटीच और रीफीडबैक, वाओ वेरी गुड रितिका, बहुत अच्छा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक टेस्ट मेजर्स द इंट्राऑक्युलर प्रेशर, दोस्तों आईओपी मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट होता है, टोनोमेट्री, पेरीमेट्री, गोनियोमेट्री या एम्सलर ग्रिड, व्हिच इज यूज्ड टू असेस द इंट्राऑक्युलर प्रेशर। और ये तो सबको ही आता होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। और मेरे दोस्तों टोनोमेट्री एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, टोनोमीटर, जिससे हम इंट्राऑक्युलर प्रेशर को मेजर करते हैं, इंट्राऑक्युलर प्रेशर मापा जाता है और इस प्रोसीजर को हम टोनोमेट्री कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, क्लास लाइक कर दीजिए जिसने लाइक नहीं किया हुआ है, लेक्चर को लाइक करिए, लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड क्रेनियल नर्व, और दैट इज ऑल्सो द सिंपल क्वेश्चन गाइस, बहुत आसान सा सवाल फिर से आपसे पूछा गया है कि थर्ड क्रेनियल नर्व का नाम आपको बताना है। शाबाश, और ये तो आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन गया है सबका, काफी फास्ट आप लोगों ने आंसर कर दिया है और सही आंसर है थर्ड क्रेनियल नर्व है, ऑक्यूलो मोटर नर्व, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा यहां तक क्लियर है ना सबको, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16, द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट नर्स इज प्रोवाइडिंग द हेल्थ एजुकेशन टू अ 40 ईयर ओल्ड पर्सन रिगार्डिंग द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टू प्रिवेंट द हाइपरटेंशन, व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज द नर्स प्रोवाइडिंग, दोस्तों आप क्या कर रहे हो, एक पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे समझा रहे हो, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो ताकि उसे हाइपरटेंशन ना हो, आपसे कह रहा हूं कि ये कौन से लेवल का प्रिवेंशन कहलाता है। और भाई साहब बहुत ही बढ़िया, शाबाश, काफी अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया है, कम्युनिटी का बहुत अच्छा नॉलेज आप लोगों को है और लेवल ऑफ प्रिवेंशन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है इसका मतलब आप सबका। मेरे बच्चों ये जो होता है ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है, जिसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करवाते हैं और ये प्राइमरी प्रिवेंशन दिया हुआ है सी ऑप्शन के अंदर, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबको आ गया है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन से मेरे दोस्तों टू क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर श्योर होते हैं, ड्रग कैलकुलेशन के टू क्वेश्चन श्योर होते हैं, लेक्चर का लिंक भी मैंने शेयर करवाया था आज आप लोगों को। अच्छा ड्रग कैलकुलेशन वाला लिंक व्हाट्सएप पे किस किस को आ गया था, सबको पहुंच गया था ना बेटा, आज जो ड्रग कैलकुलेशन का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था व्हाट्सएप पर, सबको आ गया था कि नहीं आया था, उस लेक्चर को एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो लाइफ टाइम के लिए मेरे बच्चों ड्रग कैलकुलेशन आप लोग सीख जाने वाले हो, उसको केवल देखना है, बस आपको सुनना है। सबको आ गया था, वेरी गुड, और जिसको नहीं आया है उसको सेंड कर देना मेरे बच्चों, या मैं सेंड कर दूंगा, जैसा भी आपको ठीक लगे आप अपना मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। तो उस क्लास को जरूर आपको अटेंड करना है दोस्तों, ठीक है ना, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, रेस्पिरेशन विच इज अबनॉर्मली शैलो
फॉर द 2-3 ब्रीथ्स फॉलोड बाय इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया इज कॉल्ड। दोस्तों शैलो है, एबनॉर्मली शैलो है, और 2-3 ब्रीथ शैलो होती है, और फिर उसके बाद में इरेगुलर पीरियड के लिए अपनिया हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ऐसा जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो क्या कहलाता है? कुशमॉल बाइटॉट, बाइटॉट या हाइपोवेंटिलेशन या काइनी स्ट्रोक। और इसे मार्क कर लेना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो रेस्पिरेशन का मेथड है, सबका जवाब जो है वो जो भी आंसर कर रहे हैं भैया, हरीश का आंसर सबसे पहले सही आंसर आया है। हरीश बेटा वेरी गुड, बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा आपको इस टॉपिक को। और इसे कहते हैं दोस्तों बायटॉट रेस्पिरेशन, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ना तो ये कुशमॉल है और ना ही ये काइनेस्टॉक है और ना हाइपोवेंटिलेशन है। दिस इज द बायटॉट टाइप ऑफ द पैटर्न ऑफ द रेस्पिरेशन गाइज, अंडरस्टैंड? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है? तो गाइज यू नो दैट, इसे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना और अपनी डायरी में इसको लिख लेना, अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना इसको। और बाकी तो फिर मैं जब रेस्पिरेटरी पढ़ाऊंगा आपको तो सब क्लियर कर ही दूंगा, राइट? लेकिन अभी के लिए नॉर्सेट के लिए तैयार कर रहा हूँ आप सबको, उसमें कोई कमी मत छोड़ो। नॉर्सेट तक मेरे बच्चों मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा, चाहे इससे सिलेबस हो के नहीं हो बैच के अंदर, लेकिन नॉर्सेट तक आपको इतने क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे कि आप नॉर्सेट निकाल लेंगे। मेरे बच्चों आन बान शान हमारा तो सिलेक्शन होना चाहिए कैसे भी हो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है कि किस तरह से हुआ है। तो आपको वुगली इतनी मदद पहुंचा देगा मेरे बच्चों, जिससे तुम्हारी जॉब हो जाएगी, तुम्हारा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दूसरे टीचर भी मैंने खड़े कर दिए हैं यूट्यूब पर, तो दोस्तों वो भी आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करेंगे और पूरे जी जान से आपको पढ़ाएंगे। तो पहले आप 10 बजे क्लास लेते थे, अब आपको 9 बजे से ही क्लास में आ जाना है। 9-10 आपकी ऑब्स्टेट्रिक चलेगा और 10-11 आपका साहू सर का क्लास चलेगा। उसमें अभी आपको मल्टीपल सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, अभी जो क्लास चल रहा है अपना, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। और एक दिन में हम 50 क्वेश्चन करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचा सकूं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवा सकूं, ठीक है मेरे बच्चों? चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, अ सिस्टम इन विच ईच पेशेंट इज असाइंड टू अ नर्स Who has the 24-hour responsibility for the nursing care delivered to the patient is termed as. एक ऐसा नर्सिंग मेरे बच्चों जिसमें एक नर्सिंग ऑफिसर को एक ही पेशेंट दिया जाता है और 24 आवर तक वही नर्सिंग ऑफिसर या वही स्टाफ उस क्लाइंट को केयर देता है। तो नर्सिंग केयर देने का ये वाला पैटर्न कौन सा नर्सिंग कहलाता है? और क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए मेरे बच्चों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, काफी वैल्यूड क्वेश्चन है। और इसे कहते हैं मेरे बच्चों, जब कभी भी किसी भी क्लाइंट को एक नर्सिंग ऑफिसर को एक ही पेशेंट अलॉट कर दिया जाए और 24 आवर तक वही नर्सिंग ऑफिसर उसको केयर देगा, तो ऐसा जो पैटर्न होता है नर्सिंग केयर देने का वो कहलाता है बेटा प्राइमरी नर्सिंग केयर। क्या कहलाता है? प्राइमरी नर्सिंग केयर कहलाता है, फंक्शनल भी नहीं, मॉड्यूलर भी नहीं, टीम नर्सिंग भी नहीं, अंडरस्टैंड? तो इससे थोड़ा सा याद रखना, क्वेश्चन जो है आ सकता है मेरे बच्चों, नॉर्सेट मार्क कर रहा हूं इस पर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि प्राइमरी नर्सिंग क्या होता है। रिवर्स भी पूछूं तो 24 आवर के लिए एक स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पेशेंट को केयर देना, दिस इज द प्राइमरी नर्सिंग, अंडरस्टैंड? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सबने गलत कर दिया, सोनाली का सही जवाब है। क्वेश्चन 19 देखना, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। और ये गलत नहीं होना चाहिए वरना आ जाना कोटा, चंबल है पास में। सबसे लॉन्गेस्ट बोन का नाम बताइए आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये तो तुम्हारा दाव लगने वाला क्वेश्चन है। प्रमोद इसको भी गलत कर रहा है क्या? प्रमोद क्यों गलत कर रहा है भैया, तुझे पता नहीं है क्या लॉन्ग बोन कौन सी होती है? हद कर रहा है तू, तो तेरे को होश नहीं है इतनी भी? डी ऑप्शन लगा रहा है, सही जवाब है मेरे बच्चों फीमर। बहुत आसान सा सवाल है, पहली क्लास के बच्चे से भी पूछोगे तो बता देगा शायद, पढ़ाया जाता है आजकल तो, ठीक है ना प्रमोद?
ध्यान दे थोड़ा सा, जल्दबाजी मत करें, नेगेटिव बढ़ जाएगा नहीं तो ऐसे करेगा तो, ठीक है ना। 20 करिए, विच इज द प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एज पर द पेवलोव थ्योरी। दोस्तों पेवलोव थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा फेज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जिसमें हम क्या करते हैं प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। तो आईपीआर के अंदर प्रॉब्लम को किस फेज में डिफाइन किया जाता है, जैसे ओरिएंटेशन, रिसोल्यूशन, आइडेंटिफिकेशन या एक्सप्लोइटेशन, कौन सी फेज में आकर के और प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। जैसे मेरे बच्चों हम आईपीआर मेंटेन कर रहे हैं, एक आईपीआर सेशन अपन कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट के साथ में, क्लाइंट और नर्स के बिटवीन एक आईपीआर सेशन होने वाला है, उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे क्लाइंट को हम क्या करते हैं, पहले ओरिएंटेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं पहले, फिर ओरिएंटेशन करते हैं, ओरिएंटेशन के बाद प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करवाते हैं, यानी कि ओरिएंटेशन के बाद वर्किंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और फाइनली हम उसका रिसोल्यूशन करते हैं। क्लियर हो गया है। और फिर उसके बाद टर्मिनेशन फेज आता है, टर्मिनेशन फेज लास्ट। टर्मिनेशन फेज का भी क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में देखा है मैंने मेरे बच्चों, एम्स में। इसको भी याद रखना कि कौन सी फेज होती है आईपीआर की, जिसमें पेशेंट का नर्स के साथ में जो रिलेशन बनता है, आईपीआर जो बनता है, उसको हम वहीं पे खत्म कर देते हैं, उस फेज को कहते हैं टर्मिनेशन फेज, इज द लास्ट फेज। क्लियर है। तो मेरे बच्चों ये जो फेज है, अभी आपसे कह रहा हूं कि कौन सी फेज के अंदर प्रॉब्लम डिफाइन करेगा, तो पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को कौन सी फेज में आपके सामने रखेगा और हम उसको डिफाइन करने में उसकी मदद करेंगे, तो उस फेज का नाम होगा ओरिएंटेशन फेज। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। याद रख लोगे कि नहीं रखोगे? अब 20 क्वेश्चन करा चुका हूं, 20 क्वेश्चन कम नहीं होते। अगर रोज के 50 क्वेश्चन भी बना लिए ना तुमने, रोज के जो आपका सेशन हो रहा है केजीएफ का मेरे बच्चों, एक तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं हमारे दोस्त साथी मेरे बच्चों, उनकी मदद जरूर करना। हम सब वुगली परिवार के लोग जो हैं, उनका एक ही कर्तव्य होना चाहिए दोस्तों, निस्वार्थ भावना से लोगों की मदद करो, लोगों तक एक वैल्यूड कंटेंट पहुंचाओ। मेरे बच्चों आप YouTube पे बहुत क्लासेस देखते होंगे, लेकिन ये देखो उसके अंदर कि कंटेंट के अंदर कितना वजन है, कितना वजन वाला क्लास है, उसमें कितना आउटपुट आ रहा है, या टीचर फालतू बातें करके ही आपका टाइम वेस्ट करके जा रहा है। ये ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा, मुझे नहीं बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अपनी एक क्लास के अंदर, आज ये शायद हमारा 34वां सेशन है, 34 क्लास, 33 हम ले चुके हैं, और मेरे बच्चों हम जो 30 हर क्लास ले रहे हैं आपके लिए, एक एक क्लास के अंदर मेरे बच्चों बहुत वजन है, बहुत वेटेज है। रोज के 50 क्वेश्चंस भी अगर आपने कर लिए तो वन मंथ के अंदर मेरे बच्चों 1500 क्वेश्चन होते हैं। और जयपुर तो आप आ ही रहे हैं पढ़ने, जो लोग नहीं आ पाए थे वो सेशन 2 जरूर अटेंड करना, सेशन 2 में आ जाना अगर आपको टाइम मिल जाए, जयपुर के आसपास आप हैं तो। मेरे बच्चों वो रिजल्ट भी गेम चेंजिंग रिजल्ट होगा, जो जयपुर में थ्योरी पूरा एक्सप्लेन करूंगा ना, एक एक करके पूरे टॉपिक आपको सिखाऊंगा सेम डे, और सेम डे याद करवाऊंगा बच्चों, रिजल्ट पूरा ही बदल जाएगा नॉर्थ सेट का। और मुझे बस हर एक बंदे के मुंह से यही सुनना है कि वुगली पढ़ के सेलेक्ट हुआ, एक एक बात मुझे यही सुननी है आपके मुंह से। जब मैं नॉर्थ सेट का रिजल्ट देखू ना, तो मेरे पास मैसेजेस की और सिलेक्शंस की व्हाट्सएप ब्लॉक हो जानी चाहिए दोस्तों। सिलेक्शन और आपके मैसेजेस से मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाना चाहिए। अरे ब्लॉक कर दोगे कि नहीं करोगे? कर दोगे ना। इसलिए मेरे बच्चों आज मैं ऑफलाइन बैच पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन बैच में पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, जयपुर में ऑफलाइन पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों। केवल एक ही मोटो है कि उस दिन मेरे पास इतने सिलेक्शंस आने चाहिए दोस्तों कि मेरा व्हाट्सएप खोले भी नहीं। इतना हर तरफ से एक ही आवाज सुनूंगा कि वुगली पढ़ के जॉब लगी है भाई, कोचिंग कहीं से भी करी मैंने, लेकिन फाइनल जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो वुगली से हुआ है। ये बात हर बच्चा बोले, और ये मैं बुलवा के रहूंगा, जब तक नहीं रुकूंगा जब तक एक एक नर्सिंग ऑफिसर ये बात ना बोल दे कि कोचिंग कहीं से भी किया है, पढ़ाई कहीं से भी किया है,
लेकिन दोस्तों सारी करामात जो है वो साहू सर की है, बुगली के क्लासेस की है, ये बात मुझे सुनना है और मैं इसके लिए संघर्ष करता रहूंगा, इसके लिए प्रयास करता रहूंगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाता रहूंगा, लेक्चर्स पहुंचाता रहूंगा, ताकि आप बोलने पे मजबूर हो जाएंगे एक दिन, सर की मेहनत को देख के, मेरी मेहनत को देख के एक दिन आपको मजबूर कर दूंगा मेरे बच्चों कि आपको कहना पड़ेगा कि नहीं सर आप वाकई में बहुत अलग हो, कहना पड़ेगा आपको कि सर बहुत अलग हो आप, इसके लिए मजबूर कर दूंगा दोस्तों। अगला सवाल देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द अप्रोप्रिएट साइट टू एडमिनिस्टर द आईएम इंजेक्शन इन द चिल्ड्रन। दोस्तों बच्चों में आईएम कहां पर एडमिनिस्टर किया जाता है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। और क्वेश्चन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है, वेस्टस लेटरलिस पे सबसे कॉमनली बच्चों के अंदर आईएम लगता है, कहां पर? वेस्टस लेटरलिस पे। यहां से एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मेरे बच्चों कि अडल्ट्स को मोस्ट कॉमनली आईएम कहां लगता है, अडल्ट्स के लिए बताइए अब कि अडल्ट्स को मोस्ट कॉमनली आईएम कहां लगाया जाता है इनमें से, अडल्ट्स को। और आप में से बहुत से लोग गलत जवाब दे रहे हैं, भैया अडल्ट्स के लिए सबसे कॉमनली आईएम का साइट होता है डेल्टॉइड, मोस्ट कॉमन फॉर अडल्ट्स। ओके मेरे बच्चों, अडल्ट्स के लिए। और यदि अगर मैं कहूं आपसे डोर्सोग्लूटियल, सबका गलत जवाब है, डेल्टॉइड इन द अडल्ट्स इज द राइट आंसर। अब मैं पूछूं आपसे कि अडल्ट्स में आयरन इंजेक्शन के लिए मोस्ट कॉमन आईएम साइट, यदि मैं कहता मेरे बच्चों डोर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, तो आयरन जो लगाना है आपको वो लगाना है दोस्तों ग्लूटियल पर, कहां पर? ग्लूटियल पर। और ग्लूटियल पर कहां पर? आउटर अपर क्वाड्रेंट में, आउटर अपर क्वाड्रेंट में। तो चार क्वाड्रेंट बना लो आप, जो आपका बटक्स है, बटक्स के चार क्वाड्रेंट, तो मेरे बच्चों ये आउटर अपर क्वाड्रेंट है। आउटर अपर क्वाड्रेंट को और साइंटिफिक तरीके से डिफाइन करें तो देखना, वेंट्रो यानी कि वेंट्रल यानी एंटीरियर, और डोर्सो मींस पीछे, तो पोस्टीरियर यानी डोर्सो ग्लूटियल और वेंट्रो ग्लूटियल। तो कहां पर मेरे बच्चों आउटर अपर कहां आएगा? वेंट्रो ग्लूटियल साइड पर आप सबसे ज्यादा कॉमनली आईएम लगाएंगे, ताकि साइटिक नर्व जो है वो डैमेज भी ना हो। क्रिस्टल क्लियर हो गया है सारे आईएम इंजेक्शंस के, और एक लेक्चर पढ़ा रखा है मैंने जेट ट्रैक और आईएम इंजेक्शन पे, पूरा लेक्चर पढ़ा रखा है ए से लेके जेड तक, जो कुछ भी आईएम इंजेक्शन के रिलेटेड नॉलेज हो सकता था वो सब पढ़ा रखा है दोस्तों। और आईएम आयरन लगाने के लिए कितने गॉज का निडिल यूज करते हैं ये भी बताना जरा, कि आईएम लगाने के लिए, आयरन का आईएम लगाने के लिए कितने गॉज का निडिल यूज होता है बताना जरा। सबका गलत जवाब भाई साहब, रॉन्ग आंसर, किसी को भी सही आंसर नहीं है पता। यार कहां से पढ़ रखा है तुमने, क्या पढ़ रखा है भाई साहब, ये ऐसे नोट सेट दोगे तुम लोग, ऐसे नोट सेट दोगे क्या, ये क्या कर रखा है आप लोगों ने मेरे बच्चों। आयरन के लगाने के लिए 19 से 20 गॉज का निडिल यूज करते हैं, ठीक है ना। आयरन का आईएम लगाने के लिए 19 से 20 गॉज का निडिल यूज किया जाता है, ओके ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट में पढ़ा रखा है मैंने, जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको तो पूरा जेट ट्रैक। चलिए कोई ना, क्वेश्चन नंबर 22 करिए आप तो, विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। और ये 10 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका हूं मैं आपसे, 10-20 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका हूं, और बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है मेरे बच्चों।
इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और ये गेस्टेशनल एज में ही फीटस को मिल जाता है, यानी इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, मदर से फीटस में चला जाता है। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन से बनता है, ये रिसेंट इन्फेक्शंस पे बनता है मेरे बच्चों, और ये बर्थ के बाद मदर जो ब्रेस्ट मिल्क बेबी को पिलाती है उससे मिलता है, बॉडी सिक्रेशंस में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अरे क्लियर है क्या यहां तक भैया, आगे बढ़ू ना। क्वेश्चन 23 देखना, विच इज द मोस्ट कॉमन एचआईवी रिलेटेड मैलिग्नेंसी। दोस्तों एचआईवी से रिलेटेड मैलिग्नेंसी बहुत कॉमन सा सवाल है, अरे बेटा मैं तो रोज आ रहा हूँ विशा, बहुत दिन में देखे आज, बहुत अच्छा लगा, रोज क्लास ले रहा हूँ बेटा। और मेरे बच्चों एड्स से रिलेटेड जो मैलिग्नेंसी होती है उसको कहते हैं कापोसी सार्कोमा, के एस इसे कहा जाता है, कापोसी सार्कोमा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जबकि हॉकिंस डिजीज जो है मेरे बच्चों, हॉकिंस डिजीज, और हॉकिंस डिजीज बी सेल का लिम्फोमा डिजीज है, और ये लिम्फ नोड्स के अंदर होने वाला पेनलेस एनलार्जमेंट होता है। ओके, यस नीलम, लव यू टू बेटा, लव यू टू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखिए 24, द पीरियड ऑफ एसिटा एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉस ड्यूरिंग विच पर्सन लर्न टू डील विद द लॉस इज नॉन एज। मेरे बच्चों मैंने कहा आपसे कि पेशेंट को जब ग्राइफ एंड लॉस पे एक लेक्चर लिया हुआ है मैंने यूट्यूब पर, वो लेक्चर आप जरूर देखना समय निकाल के, कि ग्राइफ एंड लॉस, ग्राइफ एंड लॉस के अंदर मेरे बच्चों ये एक्सेप्टेंस वाला जो पीरियड होता है, फेज होता है, इसको क्या कहते हैं, और बहुत कम लोग इसका सही जवाब निकाल पाएंगे भैया। और फर्स्ट रैंक पे बाजी मारा है आज के इस क्वेश्चन के अंदर अभी तक मैं जो देख पा रहा हूं, फर्स्ट रैंक पे कौन बाजी मार रहा भैया दीपिका का सही आंसर देखा मुझे तो अभी तक, नन ऑफ दीज आंसर आएगा ना बेटा। अरे मैंने पढ़ा रखा है ना कुबलर रॉस मैकेनिज्म, कुबलर रॉस मैकेनिज्म ऑफ ग्राइफ, ग्राइफ के कुबलर रॉस मैकेनिज्म के स्टेप्स फेजेस, और सिखा रखा है डाबड़ा। तो जो एक्सेप्टेंस वाला फेज है ना भाई साहब, ये तो एक्सेप्टेंस ही कहलाता है, इसमें तो कुछ भी ना दिया हुआ है, अंडरस्टैंड। हाँ ये वाली क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे लिया हुआ है क्लास, सुष्मिता ठाकरे, वेरी गुड, देखना जिसने नहीं देख रखा है वो। मैंने कहा ना अरे ना 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 ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो मेरे बच्चों वो डिनाइल है, फिर उसके बाद एंगर, फिर बार्गेनिंग, बार्गेनिंग नहीं दिया इसमें भी, फिर डिप्रेशन, और फाइनली एक्सेप्टेंस। पूछ रहा हूं एक्सेप्टेंस वाला पीरियड, तो इसका आंसर आएगा एक्सेप्टेंस ये वाला, नन ऑफ दीस। 25, द फॉलोइंग आर द मेजर टेक्निक फॉर द टाइम इवेंट नेटवर्क एनालिसिस एक्सेप्ट। दोस्तों द फॉलोइंग आर द मेजर टेक्निक फॉर द टाइम इवेंट नेटवर्क एनालिसिस एक्सेप्ट, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपका जनरल नॉलेज का। लाइनियर प्रोग्रामिंग, क्रिटिकल पाथ मेथड, प्रोग्राम इवैल्यूएशन और रिव्यू टेक्निक, और गंट चार्ट। दोस्तों आपसे कह रहा हूं कि टाइम इवेंट नेटवर्क एनालिसिस का कौन सा मेथड नहीं है, और मेरे बच्चों लाइनियर प्रोग्रामिंग, क्रिटिकल पाथ मेथड और गंट चार्ट ये सब प्रोग्रामिंग के मेथड है, केवल प्रोग्राम इवैल्यूएशन और रिव्यू टेक्निक इज नॉट द मेथड। अंडरस्टैंड, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखना 26, अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट अकर्स व्हेन द वैक्सीनेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अनप्रेडिक्टेड इंडिविजुअल सीज। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन करके और अनप्रेडिक्टेबल इवैल्यूएशन उसको किया जाता है मेरे बच्चों, तो इसको क्या प्रोटेक्शन किया जाता है, तो कौन सा इम्यूनिटी इसे कहेंगे आप, पैसिव कॉन्टैक्ट, हर्ड या एक्टिव, क्या कहेंगे? देखता हूं सीएचएन कितना स्ट्रोंग है आप सबका,
और भाई साहब ये हर्ड इम्यूनिटी का जवाब क्यों दे रहे हो रे आप लोग? अंजू ने सही जवाब दिया, प्रमोद ने सही जवाब दिया है भाई साहब, बाकी सबका गलत जवाब है। अरे भैया मैंने कहा कि द इम्यूनिटी दैट अकर्स व्हेन द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी आएगा वो पैसिव इम्यूनिटी होगा गजोधर। वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी हम डेवलप करते हैं किसी में वो पैसिव इम्यूनिटी होता है दोस्तों। हर्ड इम्यूनिटी तो अपने आप आता है कि इन्फेक्शन होगा लोग ठीक हो जाएंगे, उनकी बॉडी इम्यूनिटी बना लेगी, उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये तो आप जो वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हो वो पैसिव इम्यूनिटी है। क्लियर है बेटा? ए ऑप्शन जवाब आएगा। ध्यान से करते नहीं हो और गलत कर देते हो जल्दबाजी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैयार हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द प्लेसेंटल फंक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 to 10 week ऑफ प्रेगनेंसी। ये गलत नहीं होना चाहिए। अरे ये गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब। कौन सा हार्मोन है दैट परफॉर्मिंग द प्लेसेंटल फंक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 8 to 10 week? शुरुआत के 8 से 10 week में प्लेसेंटल फंक्शंस को मेंटेन करने वाला हार्मोन आपको बताना है सबको। और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HCG या फिर LH? कंफर्म सोच के बताओ एक बार, LH लगाओगे या फिर HCG लगाओगे भाई साहब? क्या सही आंसर आएगा भैया? एक बार सोच के बताओ वापस से। और सही आंसर आएगा गजोधर, वेरी गुड। वेरी गुड। तो HCG इज द राइट आंसर गाइस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबका जवाब सही आया है। क्वेश्चन नंबर 28, नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर आल्सो टर्म्ड एज। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस को और क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है दोस्तों? हॉस्पिटल एक्वायर्ड, आइडियोपैथिक, प्राइमरी या लेट्रोजेनिक? एट्रोजेनिक, यहां पर एट्रोजेनिक करना है आपको, करेक्शन है। और शाबाश, वेरी गुड। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस ही नोसोकोबियल इन्फेक्शन कहलाते हैं। 29, हु इज द प्रिंसिपल वर्कर इन द ICDS प्रोजेक्ट? दोस्तों ICDS प्रोजेक्ट में प्रिंसिपल वर्कर कौन होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाइल्ड, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर या ANM, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ? और शाबाश, वेरी गुड। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोडक्ट चिल्ड्रंस, ए ऑप्शन आर द करेक्ट आंसर। दिस इज द प्रिंसिपल वर्कर इन द ICDS प्रोजेक्ट। ICDS का मेन प्रिंसिपल वर्कर कौन है? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चिल्ड्रंस। अंडरस्टैंड गाइस? नाउ सी द 30, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यूजिंग द नीगल्स रूल इफ अ वुमेन्स फर्स्ट डे ऑफ LMP वॉज द 11th Feb 2018। तो इसका EDD आप निकाल के जल्दी से बता दीजिएगा क्या आने वाला है। पक्की बात? अरे पक्की बात है, 18 नवंबर ही आएगा। चलो इसको कल सोल्व करके लाना, कल बताऊंगा इसके, आपके OBG वाले सर से पूछना।
कल इस क्वेश्चन को करके लाना, है ना। इस क्वेश्चन को कल करके लाना। और आज मेरे बच्चों बस इतना ही, 30 क्वेश्चन काफी हैं, 1 आवर हो चुका है, 11 o'clock हो गया है टाइम भी। चलिएगा आगे वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच, मेरे पास 1 आवर ही होता है, बाकी शेड्यूल पूरा बिजी है मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। आगे पढ़ते रहिए मेरे बच्चों, डेली आप 9 to 11 पढ़िए बुगली के साथ, और आगे बढ़ते रहिए, और एक आपके सुनहरे फ्यूचर की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।